पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर भारी तनाव है। आज बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की गई है। दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, कैसे लोगों की सब्जियों और फलों को सड़कों पर फेंक दिया गया। ये पूरी घटना हावड़ा के शिवपुरी इलाके में हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। तनाव के बाद इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। कई इलाकों में पुलिस की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल आज रामनवमी के मौके पर जगह जगह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था श्रद्धालुओं की तरफ से, और इसी दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ये उपद्रव देखने को मिला है। आगजनी हुई है, जमकर उपद्रव हुआ है, और हालात को देखते हुए मौके पर भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस भी फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर उपद्रव मौके पर किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।